काटना चबड़िया नहीं मेरा भी नहीं है अभी कुछ है ही नहीं यार वीडियो बना तो वही चल रहा है यार कल इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। दुनिया भर में सैडनेस चल रही है सैडनेस। ये चैनल बनाया मैंने मजाक के लिए कि हर चीज समझ लें। कहीं पे मौतें हो रही हैं, कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे ड्रामे हो रहे हैं और ये भी नहीं ड्रामे में कुछ चेंज करते नहीं दूसरे के रिएक्शन आते जाएंगे। हाँ हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थगेश्वर से जो अदनान 07 जो चल रहा था तब उस पर टिकट इंसान ने भी रिएक्ट कर दिया, उस पर क्रेजी दीप ने भी रिएक्ट कर दिया, देविका गुप्ता करके एक बंदी है जो एक्स टिकटॉकर थी तो उस पर उसने भी वीडियो बना दी। बैक और के काम धन में नहीं क्या एक ही बंदा मिलता पकड़ के बैठ जाते हो तो पर अदनान 07 लगा पड़ा अपना कि हाँ लोग भौंक रहे हैं और मैं अपना आइफा पे ग्रीन कारपेट कर रहा हूँ। मैं कहा चलो मान लिया कोई बड़ी डील होगी मान लिया, बट ये ग्रीन कारपेट क्या होता है? रेड कारपेट सुना था यार हमने तो। ए छोटे ग्रीन पे कर तू, क्यों तूने ग्रीन सूट पहना ना इसलिए? अबे सच में जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, ग्रीन कारपेट होता क्या है? रुको गूगल करके बताता हूँ मैं। गूगल भी शहर नहीं है। आंसर है द अपोजिट ऑफ रेड कारपेट क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन डिग्निटी दी वे। जो रेड कारपेट पे होता है वो डिग्निटी दी वे होता है तो ग्रीन को सिर्फ वेलकम वाला बोल सकते हैं। अच्छा 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 अरे वो नहीं होता जब तुम शादी में जाते हो महंगी वाली तो गेट पे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के वही सही है, सही बता रहा हूँ मैं। अभी नहीं जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, ये मजाक में बोल दिया मैंने, बट अगर तुम में से किसी को पता हो ना बताना मुझे। बट अदनान की बात कर रहे हैं तो अदनान के ऊपर जो थगेश ने वीडियो बनाई थी जो रोस्ट वीडियो थी वो डीमोनेटाइज हो गई तो उस पर थगेश ने वीडियो फिर से वीडियो बना के बोल दिया कि मुझे लग रहा है दया कुछ गड़बड़ है इसी ने करवाया है। अदनान 07 वाली वीडियो डीमोनेटाइज होगी मेरी क्या? यूट्यूब पे खून खराबा अलाउड नहीं होता है ना, गाली का प्रयोग था ना मारपीट था, बट अभी मेरे को पता नहीं डीमोनेटाइज हुई है, बट अब मेरे को लग रहा है कि डीमोनेटाइज कराई गई है। पता है कैसे? क्या बोलते बच्ची से थगेश ने अपने पे एक वीडियो बनाया अपने को डिलीट करवाने का, थगेश भाई की वीडियो उड़वानी है छोटे तेरी शक्ल देख के बता नहीं सकते तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों एक्सप्रेशन ही नहीं होते ना शक्ल पे। यहाँ भी यही सब हो रहा है, वहाँ पे कोई चैनल है सॉफ्टवेयर हिंदी करके तो उसी के जीजा ने उसके घर में घुस के उसको उसके ऊपर गोली चला दी, मतलब उसकी फैमिली पे गोली चला दी जिसमें उसके डैड की डेथ हो गई और भाई हॉस्पिटलाइज है तो उसी के बारे में अपडेट करते हुए उसने कुछ वीडियोस डाली हैं तो देख लो क्योंकि उसको भाई को जरूरत है। हो सकता है अब मेरा टारगेट हो अगला अटैक मेरे ऊपर किया जाए और मुझे भी गोली मार दिया जाए, क्योंकि जब उसने अटैक किया जिसने अटैक किया उसका नाम है सोनू कुमार, वो है मेरे जीजाजी। जीजाजी ने ही मेरे घर पे आके सबको घुस के गोली मारा, दीदी को मारता पीटता था, दीदी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, हम सब पुलिस के पास भी गए, पुलिस वाला भी हमारा बात नहीं सुना और पुलिस वाला ही अपना पुलिस वाला का सपोर्ट करता है, जो सोनू है मेरा जीजाजी वो पुलिस में है, SP ऑफिस में पुलिस में है। सच में यार क्या हो रहा है क्रिएटर्स के साथ? अभी कुछ दिन पहले पारस ऑफिस चलता, फिर कोई दूसरा आसामी क्रिएटर था मेरे ख्याल से, फिर कोई साउथ का क्रिएटर था वो भी बोल रहा था कि हाँ मेरे को पीट के गए धमकी दे के गए कुछ लोग, ये फिर से हो गए। भाई साहब सेफ रहो, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था CCTV पर फुटेज थी कि एक बंदे को रास्ते से आराम से चलते हुए भेलपूरी खाते हुए जा रहा था, पता नहीं सामने से कोई आया पीटना शुरू किया, फिर वो पत्थर से उसका सर कुचल दिया। एंड क्या पागल वागल हो गया साथ इतना गुस्सा काएगा बे? मान लिया गर्मी है बट गर्मी है तो डोसा बनाओ ना, मतलब हैदराबाद देखो, हैदराबाद में 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो बंदे ने स्कूटी पे डोसा बना दिया, डोसा ही है ना, हाँ डोसा बना दिया। चल ये मैंने कहना बड़ा दिमाग तो वैसे ही ठंडा हुआ क्योंकि गर्मी लग भी नहीं थी। दूसरा आर्टिकल कहता कि कल दिल्ली में सबसे कम टेम्परेचर था 28 डिग्री। 28 कम होता है हरामी, बट ये हैदराबाद में इतनी गर्मी क्यों चढ़ी हुई है लोगों को? जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम, हैदराबाद में 28 तारीख को एक फ्रेशर पार्टी थी जहाँ पर 17 साल की लड़की अटेंड करने गई थी, तो ये नॉन अल्कोहलिक और नॉन स्मोकिंग फ्रेशर पार्टी थी तो 1:30 से 5:30 बजे तक की थी। फिर लड़की के साथ जो दोस्त थी वो पहले निकल गया और इसका जब जाने का टाइम हुआ तो 5 लड़कों ने बोला कि हम छोड़ देते हैं, और फिर ये जो 5 लड़के हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से मतलब पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं जहाँ पे ये प्रॉमिस करेंगे कि हाँ छोड़ देते हैं, तो मैं सब ने मिल के उसका गैंग रेप किया है। और इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं फाइल हुई शुरू इनिशियल फेज में क्योंकि लड़की इतने सदमे में थी कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाई थी और इसलिए थोड़ा लेट हुआ, 3 दिन बाद ये केस रिपोर्ट हुआ। बट 5 दिन केस रजिस्टर होने के बाद भी 5 दिन तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया, तो जिसके चलते में अब BJP प्रोटेस्ट कर रही है कि अरेस्ट करो चाहे कोई भी इन्फ्लुएंशियल या पॉलिटिकल पार्टी से बंदा हो, ये गलत काम है और इसके लिए उनको सजा होनी चाहिए। और कहे तो ये भी रहे कि सिर्फ 2 एडल्ट और 3 माइनर लोग हैं जो 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं,
मैं क्या इन्फ्लुएंसर हैं, पावरफुल, पुअर फैमिली, पुअर इन कल्चर। मैं नहीं कह रहा आनंद महिंद्रा ने कहा ये सब, इतनी इतनी गर्मी भी नहीं हो रही कि जवानी फूट जाए तुम्हारी सालों, हद होती। इसलिए मैंने कल न्यूज नहीं करी, सारी जगह पे सैडनेस है अभी। ये IFA जो भी अवार्ड शो चल रहा है वहाँ पे भी लोग मतलब ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला और के को। आशान में भी कोई कॉन्सर्ट कर रहा था वहाँ पे, वो के को ट्रिब्यूट दे रहा है। चाहे पंजाब में गन कल्चर हो या फिर पूरे इंडिया में, जिस वे से हम औरतों को देखते हैं, हम कहीं ना कहीं सब लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। मतलब अभी एक डीओ का ऐड था, जो डी मतलब डिओड्रेंट है उसका नाम है शॉट। तो बंदा बंदी अपने रूम में बैठ के कर रहे थे, चार बंदे आते हैं और बोलते हैं पहले शॉट कौन लेगा, जो तुम्हें मालूम है कि चार बंदे, और फिर बाद में दिखाते हैं कि शॉट वो डिओड्रेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा ऐड था जहाँ पे चार बंदे मतलब लड़की झुक के कुछ खरीद रही होती है, तो चार बंदे पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ हम चार हैं वो एक है, कौन लेगा शॉट। लड़की पलट के देखते हैं कि हाँ ये क्या बदतमीजी है, फिर देखते हैं अच्छा वो डीओ की बात कर रहे थे। और ऐसे ऐड अगर तुम चलाओगे तो तुम क्या उम्मीद करते हो इन यंग जुवेनाइल दिमागों से? एक्चुअली ये तो क्रेजी ब्रेन हैं, इनको लिटरली मेंटल हॉस्पिटल की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बंदा सही दिमाग में ये सारे कदम नहीं उठा सकता यार। मैं छोड़ आगे बढ़ते हैं। कार्तिक आर्यन पॉजिटिव हो गया, टेस्ट पॉजिटिव हो गया, बहुत 150 करोड़ कर रहे थे कि हाँ 150 करोड़ कमाए इतना पॉजिटिव हो गया, दूसरी बार पॉजिटिव हो गया कोरोना से। वहाँ पे आदित्य रॉय कपूर पॉजिटिव हो गया वापस, करोना वापस नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उनका जो मूवी आ रही थी ओम करके उसको रीशेड्यूल करना पड़ रहा है उनके लिए। बाकी के आर के ने रिएक्ट किया पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे जो मूवी आ रही है हमारी आ गई है अब तो, अच्छा खासा सा ओपनिंग हुआ है। बट अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी ना के आर के की, जो रिव्यू है मस्ट वॉच, मस्ट। मानुषी चिल्लर है ना तो उसको चिल्लर बोलता पूरा। मैं बात नहीं करता यार अपने दोस्तों के साथ भी, वैसे जैसा वो कैमरे में बात करके जा रहा है। सिर्फ के आर के नहीं, के आर के अलावा बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है मूवी में। मैंने अभी तक देखी नहीं है बट कहानी लेजेंड्स तो मैंने भी सुने हुए, बट के आर के की जो प्रोडिक्शन थी भूल भुलैया को लेके वो सही निकली थी, और इसके लिए प्रोडिक्शन किए 75 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते, 75-76 करोड़ से। चलो देखते, क्योंकि इसे प्रमोट कर रहे हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मतलब बीजेपी वाले, RSS वाले, तो तुम क्या ही कर सकते हो। मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो ये टैक्स फ्री कर रखे वैसे ही, और मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी ऑब्जर्व किया था ये। अगर तुम देखने जा रहे हो ना मूवी तो थिएटर से खरीदो टिकट, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम बुक माय शो या ऐसी किसी वेबसाइट से करोगे ना, बेफालतू में ओवरचार्ज करते हैं यार। मैं गया था KGF देखने के लिए, 250 रुपये की टिकट ली मैंने थिएटर पे, यहाँ पे देख रहा था 350 से ऊपर जा रहा था। अब 350 में ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दोनों मिल गए थे मुझे। अली जफर का एक गाना था 2010-11 का, तो अभी 11-12 साल बाद इंस्टाग्राम रील्स पे ये गाना वायरल जा रहा है। मुझे भी नहीं मालूम था, ये अली जफर ने पोस्ट किया तब पता चला मुझे कि हिला ये वायरल जा रहा है। गाना अच्छा है, नो डाउट, लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, ये देखने लायक था। मतलब उसने कंपाइलेशन वीडियो डाली है, जो इंस्टाग्राम रीलर्स है ना जो फेमस हैं और इवन नॉन फेमस भी हैं जिन्होंने उस पर किया है, तो उनको मिला के कंपाइलेशन वीडियो डाली है, जो मुझे लगता है अली जफर यार मैटर करता है। मतलब इंडियन क्रिएटर्स हैं, इंडियन TV सेलिब्रिटीज हैं, बहुत नाइस लगा मुझे देख के। हाँ तो बाकी ख़त्म कर रहे हैं, पसंद मतलब अगर सुनना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अली जफर की वीडियो की। चलो बाय, पीस।